बच्चे जेई लेवल का हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ रिकॉर्ड, तो जब देख रहे होंगे पहले खुद ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है सर कॉस टू थीटा क्या होता है? क्या होता है कॉस टू थीटा? मैंने इसके चार चार फॉर्मूले करा रखे हैं, उनमें से एक फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। अब अगर मैं कॉस टू थीटा प्लस वन लिख दूं तो यहां पे क्या बचा? टू कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, यहां पे कॉस ऑफ डबल ऑफ एंगल, तो यहां टू कॉस स्क्वायर उस एंगल का आधा है, यहां टू थीटा तो यहां थीटा है, मतलब कल को कॉस 4 थीटा प्लस 1 आ जाए तो 2 cos² 4 थीटा का आधा 2 थीटा, और कल को आ जाए cos 8 थीटा प्लस 1, तो आप क्या लिख दोगे बच्चों? 2 cos² 4 थीटा। ये बात समझ आई या नहीं आई सबको? बस इन्हीं बातों का हम कुछ यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। आइए, 2 प्लस 2, अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं बताओ? 2 कॉमन ले लूं, शाबाश। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस cos 8 थीटा। अब जल्दी जल्दी बताओ, 1 प्लस cos 8 थीटा आपने अभी बताया मैंने, 1 प्लस cos 8 थीटा क्या हुआ? 2 cos² 4 थीटा। समझ आ रही है बात? टू कॉस स्क्वायर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, 2 into 2 क्या हुआ? 4। तो 4 का अंडर रूट, 4 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, हमें पता है 4 का अंडर रूट तो 2 आएगा। 4 का अंडर रूट क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब ये वैसे पाई बाय 16 बहुत ही छोटा एंगल है, लगभग कितने डिग्री था बच्चों? 11 था, इन सब में 4 गुना करने पे भी कोई ज्यादा 0 90 के बीच में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। तो वैसे तो मैंने आपको ये बता रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मोड ऑफ एक्स से होता है, लेकिन जब आपको पता ही है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर तो आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स भी कह दो, अगर कोई दिक्कत नहीं, जब आपको पता ही है यार एक्स जो है वो 0 है, 0 से बड़ा है, तो फिर मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो, 2 2 2 4, 4 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा? 2, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का अंडर रूट क्या आएगा? कॉस नहीं, 4 थीटा का थोड़ा एंगल का थोड़ा होगा, कॉस 4 थीटा। तो 4 का अंडर रूट तो क्यों आ गया है ना, समझ रहे ना? एंगल का मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि आप ये नहीं कह सकते ना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का अंडर रूट। ठीक है भाई, 60 डिग्री का अंडर रूट थोड़ा निकालते हो, तो वैल्यू होती है इसका, कॉस 60 कुछ वैल्यू होती है उसका अंडर रूट ना, तो 4 थीटा ही नहीं पता, तो मैं यहाँ पे आपको 4 थीटा का अंडर रूट 2 थीटा नहीं लिख सकता, वो तो कॉस 4 थीटा की कोई वैल्यू होगी उसका अंडर रूट। समझ रहे हो मेरी बात? तो समझ गया मेरी बात, ये यहां तक आ गया समझ? 2 2 4 का अंडर रूट क्या आया? 2, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का अंडर रूट क्या आया? कॉस 4 थीटा। अब फिर कुछ कॉमन आ सकता है बताओ? क्या कॉमन आएगा? 2। अब बताओ फिर से, 1 प्लस cos 4 थीटा, इसी लॉजिक से जो अभी थोड़ी देर पहले सिखा रहा, 2 cos² 2 थीटा। समझ गए? टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, 2 cos² 2 थीटा। तो ये 2 2 4, 4 का अंडर रूट फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट कॉस 2 थीटा हो जाएगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, समझ रहे हैं? और 1 प्लस कॉस 2 थीटा सभी अभी बताया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। टू टू फोर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 2 कॉस थीटा, तो कोई ऑप्शन है देखो बच्चों, 2 कॉस थीटा कोई ऑप्शन थी? डी ऑप्शन थी। तो आगे समय सबको ये यही लेवल का क्वेश्चन,